না তুমি বড়াই পামার, মন তুমি বড়াই পামার, তোমার ঈশ্বর হরি তাকে কেন পরিহরি, কাম মার্গে ভজ দেবান্তর, পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব তাহাতে সপিয়া সত্ত্ব, নিষ্ঠা গুণে করহ আদর, আর যত দেব গণ মিশ্র সত্ত্ব অগণন, নিজ নিজ কার্যের ঈশ্বর, সে সবে সম্মান করি ভজ এক মাত্র হরি, যিনি সর্ব ঈশ্বর ঈশ্বর, মায়া যার ছায়া শক্তি তাতে ঐকান্তিকি ভক্তি, সাধিকাল কাট নিরন্তর, মূলেতে সিঞ্চিলে জলা শাখা পল্ল বেরবল, শিরবারি নহে কার্য কর, হরি ভক্তি আছে যার সর্বদেব বন্ধু তার, ভক্তে সবে করে না আদর, বিনোদ কহিছে ঘেনা রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণ, ভজ 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 নিরন্তর, জয় রাধা বেণু মাধব অষ্ট সখী, রাধা বেণু মাধব অষ্ট সখী, জয় গিরিরাজ মহারাজ গিরিরাজ মহারাজ গিরিরাজ মহারাজ, জয় গিরিরাজ মহারাজ, জয় পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব, জয় পঞ্চতত্ত্ব, জয় জয় প্রভুপাদ 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 শিল প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব 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 শিল গুরুদেব, নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল, শ্রী
श्री राधा वेणुमाधवस्तु सखी वृंद की पंचतत्व भगवान की गिरिराज महाराज की शील प्रभुपा शील गुरु महाराज की निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुणितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति शपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुचितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीशाखानितंश्च। हे कृष्ण करुणारसिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवाशादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरी यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानंदमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान अष्टसखी वृंद पंचतत्व भगवान शील प्रभुपाद महाराज शील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी भगवान की मंगलमय कथाओं को अवगाहन करने का परम अवसर प्राप्त हो कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सभी मन की बाधाओं की चर्चा आचार्यों की उत्प्रेक्षिका के अनुसार चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सूत्र में हम भक्तिविनोद ठाकुर जी के जो गीत रचना है तदुर्ध को आधार करते हुए यह चर्चा कर रहे थे। कल की कक्षा में चंदन यात्रा के संदर्भ में अवगत किया गया क्योंकि चंदन यात्रा का अंतिम अवसर था। तो विगत कक्षा में जो मन की बाधाओं के संदर्भ में चर्चा किया गया था तो पुनः भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा जो रचित मन तुम्हें बड़ई पामौर यह गीत की चर्चा आज यहाँ पे कर रहे हैं। तो श्रील ठाकुर महाशय कह रहे हैं मन की संदर्भ में कि मन तो बड़ा पामर है, बहुत पापी है। पामर का अर्थ पापी, बहुत दुराचारी। तो अनेक बार ही आचार्यों के द्वारा अवगत किया गया था
कि ये जो मन है बहुत ही दुष्ट है। अनेक आचार्य दुष्ट मन को शासन करने के लिए कहें। ये वाला लाइट बंद कर दीजिए, आवाज ऐसा बंद कर, सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मन बहुत पामर है, पापी है, निसंदेह है, लेकिन इस पक्ष को जीव जो होता है वो अवगत नहीं हो पाता है। अनंत काल से ही पंचफण सर्प की दासत्व को स्वीकार करते हुए उसकी दासत्व में ही आनंद को प्राप्त करता है। हरि गुरु का दास बनने के लिए व्यावहारिक रूप से इच्छुक होने के उपरांत भी वो वास्तविकता में इच्छुक नहीं होता है, क्योंकि हावी हो गया है। जैसे कोई श्वान है तो वो निरंतर ही कितनी बार भी प्रयास किया गया, शास्त्र में कहा गया, तो वो जो उसका जो पूंछ है उसको कोई पाइप में या कोई बांस के अंदर जिसमें गर्त हो उसको हजारों वर्षों तक भी रखा जाए, तब भी वो जब निकलता है तो वो पुनः टेढ़ा ही हो जाता है। तो इसी क्रम में अनेकों कल्पों कल्पांतरों से व्यक्ति मन का दास हुआ है, अर्थात वही पंचफण सर्प का। और इसके कारण है भोग की चेतना। कृष्ण भुलिया से जीव भगवान छा करे। भोग की चेतना में प्रबलता के होने के कारण व्यक्ति अहंकार को प्राप्त किया, अहंकार के कारण बुद्धि को प्राप्त किया, और बुद्धि के बाद मन को प्राप्त किया, और मन ही उसको अनंत काल से दुखी करता जा रहा है, सुखी करता जा रहा है, भोग की प्रबलता वृद्धि करता जा रहा है, और उसमें दुराचारिता दे रहा है, विकारों को ग्रसित करा रहा है। और वास्तविक जीव समझता है कि इसके द्वारा मैं लाधित होता हूँ और सुख को प्राप्त करता हूँ, परंतु यही उसकी प्रमुख अज्ञानता है और सर्वोपरि निश्चित रूप से यह मूर्खता है। कारण यह है कि जैसे कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति है, उस गलत व्यक्ति की राह पकड़ ले और उस राह को ही अपना राह मान ले। वो गलत व्यक्ति मानो भोग की चेतना है, उस आधार पर पंचफण जो सर्प प्राप्त हुआ है, जो मूलाधार में प्रतिष्ठित है, और वो निसंदेह ही उसको पतन की कगार पर लेके पहुंचा है अनंत बार, और अब भी कर रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। तो इसी सूत्र में व्यक्ति जो अपनी साधारण जो भगवत प्रदत्त बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, उसकी प्रदत्त बुद्धि को ही प्रयोग करता है, तदनुसार मन के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में इसका प्रभाव विस्तारित हो रहा होता है। तो इसी सूत्र में मन को यहाँ पे श्रील ठाकुर महाशय, मन जो है ठाकुर महाशय क्या कह रहे हैं ना, मन तुमी बड़ई पामर। वास्तविक जीव जो है कृष्णदास है, जीव कृष्णदास कर ले विश्वास तार और दुख नाई। जीव अगर कृष्ण और गुरु का दास विचार करेगा और तदनुसार दासत्व का धर्म को पालन करेगा, दास का अर्थ क्या है, स्वामी की जो आज्ञा है तदनुसार अपने आप को और अपने जीवन को समर्पित करना, यही एक दास का कर्तव्य है। तो स्वामी जब जो वास्तविक रूप में सार्वभौम स्वरूप में भगवान है ही, सबके स्वामी भगवान है, ईश्वरे भक्तारम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों के भी ईश्वर हैं। परंतु इसी सूत्र में जब जीव जब तक प्रत्यक्ष जो स्वामी अर्थात गुरु तत्व को प्राप्त नहीं किया है, सार्वभौम स्वामी अर्थात कृष्ण की वचनों को शास्त्रों के आधार पर तथा अन्य साधु पुरुषों के आधार पर जो अवगत हुआ है, चाहे वो गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से हो, वैदिक शिक्षा माध्यम से हो, सनातनी शिक्षा माध्यम से हो, या सांप्रदायिक क्रम में भक्ति के मार्ग में कोई आके शिक्षा किया हो, और जब तक प्रत्यक्ष गुरु को ग्रहण नहीं किया है
उन सब मार्गों का अवलंबन करते हुए इस मन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। और प्रत्यक्ष रूप में जब तत्व गुरु को वो प्राप्त करता है, अपने जीवन में उसको ग्रहण करता है, तदुपरांत प्रत्यक्ष निर्देशावली को पालन करना होता है। तो क्यों इससे, अर्थात जो इस प्रकार से सार्वभौम स्वरूप तत्व भगवत तत्व को ग्रहण किया किसी क्रम में, कृष्ण कृपाते गुरु मिले। तो इसी क्रम में जीव जब कृष्ण कृपाते गुरु मिले और गुरु जो प्राप्त होता है उनकी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में अवलंबन करके जीवन को समर्पित करता है, तब जा करके उसकी वास्तविक कल्याण का सूत्र संभवपर हो सकता है। लेकिन ये जो मन जो है बार बार क्या कहेगा, जब क्योंकि विशेष करके तो ये कलिकाल है, कलिकाल के उपरांत मंदाहा सुमंद मतय मंदभाग्य उपद्रता सब कुछ मंदे ही है। तो जो है जब व्यक्ति उन्नति के राह पे चलता है, जब व्यक्ति कल्याण के राह पर चलता है, तब जो दुष्ट मन जो है उसको अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। जो सत्य है उसको मानता नहीं और जो असत्य है उसको मानता है। निताय पद क्या, नहीं नहीं हाँ, निताय पद अहंकारे मत्त हैया, निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। क्योंकि अहंकार के कारण ही भोक्ता की भाव आया, और भगवत अर्थात भोक्ता का अर्थ है कि स्वयं में भगवत तत्व को सन्निधान करना। भक्ता को भोक्ता जीव हो ही नहीं सकता है, परंतु जीव भोक्ता होने का प्रयास किया। तो अहंकार के क्रम में जो जीव जो है इस दृष्टिकोण में परिवेशित हुआ, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को सर्वनाश के कगार पर पहुंचा दिया। ऐसे अभी नहीं, अनंत काल से ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज की बात है, कल की बात है, परसों की बात है, अनंत काल से ही यह, अनंत काल से इसको प्रयास कर रहा है। अपनी भोग प्रवृत्ति भोग समाप्त हो ही नहीं रहा है। आज उसमें फाउंडेशन लग गया तो कल पुनः उसकी प्रवृत्ति जागता है, क्योंकि भोग जो कर रहा है जीव नहीं कर रहा है, भोग जो कर रहा है वही पंचफण सर्प कर रहा है। और जीव को भ्रमित करते हुए, विचलित करते हुए वो नरक की ओर या संन्याकाश की ओर, कष्ट की ओर, पीड़ा की ओर लेके जा रहा है। और जीव सोचता है कि मैं उसमें आह्लादित होता हूँ, लेकिन उसकी सर्वोपरि वह अज्ञानता होता है एवं मूर्खता होता है। तो इसलिए श्रील ठाकुर महाशय यहाँ पे मन को पामर कह रहे हैं। तू बहुत बड़ा पापी है, तू बड़ा दुराचारी है। श्रील ठाकुर महाशय कह रहे हैं, मन तुम्ही बड़ाई पामर। वास्तविक तुम्हारा हरि, तुम्हारा जो ईश्वर है वो हरि है, भगवान है, जो समस्त कष्टों को हरण कर लेते हैं, समस्त कष्टों को हरण कर लेते हैं, वे तुम्हारे ईश्वर हैं। और उनको तुम भूल गया, गुरु और कृष्ण को भूल गया, और उस पंचफण सर्प का तुम दासत्व स्वीकार कर लिए, उसी की तृप्ति के लिए अनंत जीवन को नष्ट कर दिए और अभी भी नष्ट कर रहे हो। इसलिए अब और तुम्हारी चपेट में नहीं आऊंगा। जो गुरु कृपा से जो जीव अवगत होता है इस संदर्भ में और मन की बात सुनता नहीं, हमको जो भ्रमित करा रहा है, विशेष करके प्रत्यक्ष गुरु की जो मार्गदर्शन को, उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन करने का शारीरिक, वाचिक और मानसिक प्रयास करता है, वो नहीं कर रहा है। जीव अनेक समय से उस मन की दासत्व या पंचफण सर्प की दासत्व के कारण वो सोचता है कि इससे मैं सुखी हो रहा हूँ, जबकि असली उसका दुख का वो कारण होता है। तो यहाँ पे ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि नहीं, तुम जीवात्मा हो, और जीवात्मा कौन है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तुम कृष्ण की दास हो। माया में कार्य में क्यों अवगाहन कर रहे हो, तुम्हारा ईश्वर हरि ताके के न परिहरि। तो तुम्हारा ईश्वर जो है हरि है, तो उसको क्यों परिहर कर रहे हो, उसको क्यों विस्मरण कर रहे हो। निरंतर इसलिए उनका नाम लो, उनका रूप गुण लीला एवं चरित्र में अवगाहन करो गुरु के मार्गदर्शन में। और कामो मार्गे भज देवांतर, क्योंकि जगत में अनेक प्रकार की मार्ग है, अनेक प्रकार का मार्ग,
योग पद्धति से लेके कर्म पद्धति, ज्ञान पद्धति आदि पद्धतियों का मार्ग दिखा जाता है। तो जो वास्तविक जो देव है, कृष्ण है, उनको छोड़ के देवांतर, देवों से जो देवांतर, कर्मों मार्गे भजो देवांतर, असली देव कौन है? कृष्ण है, भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, भगवान ही ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण, या कोई नारायण कहे या राम कहे या अन्य कोई तत्व को कहे, राम कृष्ण नारायण में तत्वगत में कोई अंतर नहीं है, परंतु इनका भजन न करते हुए तुम उस पंचफण सर्प का भजन किए, उसका दासत्व को स्वीकारे। देखो तुम जगत में हास्यास्पद हुए, और एक तो इसी क्रम में तो जीव अनेक प्रकार से भ्रमित होते हुए कामो मार्गे भज, अच्छा कामो मार्गे भज देवांतर, काम मार्ग में देवांतर का भजन कर रहे हो। परम ब्रह्म एक तत्व ताहाते सपिया सत्व, परम ब्रह्म एक तत्व, तो परम ब्रह्म जो है भगवान है और सर्वेश्वर है, ईश्वर है, वही एक तत्व है। ताहाते सपिया सत्व, इसलिए उनके चरणों में समर्पित होकर के निष्ठा गुणे करह आदर, परम निष्ठा रखो इसमें, नहीं तो माया जगत में अगर अपने आप को निमज्जित करोगे तो निश्चित रूप से अपना ही अकल्याण होगा, निसंदेह। आरोजत देवगण मिश्र सत्व अगणन निज निज कार्यर ईश्वर, मानो जीव क्या करता है, अनेक प्रकार से अन्य लाभादियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो अन्य देवताओं का उपासना करता है, जिससे कुछ काल के लिए तो सुख प्राप्त होता है, जैसे शिव जी को आशुतोष का है। इसका अर्थ नहीं कि वे अग्रहणीय है, लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके सन्निकट जाकर के कृष्ण भक्ति की ही और प्राबल्यता और गंभीरता के लिए अनुरोध करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे त्याजनीय है, वर्जनीय है, भगवान के ही परम परम भक्त हैं। नदीनाम माने जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवों में महादेव श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो वे भगवान का परम भक्त हैं। तो इसी सूत्र में उनका निरादर करना भी तुच्छ अनन्यता के विचार में यह उनके चरण में वैष्णव अपराध हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है मुख्य आधार स्थली, हमारा मुख्य आराधना के विषय वस्तु जो है भगवान है, और उनके जो पार्षद हैं, उनके जो भक्त हैं, वे भी परम पूजनीय है। लेकिन जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति को पूछता है, जो अपनी जीवन में जो वो अनुभूतियों को प्राप्त किया है, जिस आधारशिला पर वे अपने जीवन को आदर्श रूप से जिया है और उसमें वो कृतकार्य हुआ है, उनको जब हम उनके निकट में जाते हैं, उनकी मार्गदर्शन को पूछते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखा गया, भगवान राम युद्ध के अंत में लक्ष्मण जी को रावण के लिए भी पूछे कि जाके पूछो कि राजनीति ये बहुत अच्छा जानते हैं, तो अपनी अहंकार को छोड़ते उनके आसुरिक प्रवृत्तियों को परिवृत्त करते हुए उनमें जो राजनीति में जो उनमें जो दक्षता है वह जाकर के पूछो। तो जाकर के लक्ष्मण जी जाकर के रावण को भी राजनीति की सिद्धांतों के संदर्भ में यत्किंचित प्रश्न किए। तो जीव जो होता है, और भगवान स्वयं भी सेतु बंध के क्रम में जब देखे उस स्थान पे कोई ब्राह्मण है नहीं, अपनी कार्य की पद्धति की जो भी भाव विचारधारा है, तो सेतु कोई नई नवीन कार्य होता है तो उसकी प्रतिष्ठा कर्म की आवश्यकता होता है, तो उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो भगवान तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुए हैं, और बाकी तो बंदर भालू ही थे सभी, हनुमान से लेकर के जाम्बवंत, नलनील, आदित्य। तो इस रावण की लंकापुरी के सन्निकट जब यह पहुंचा, यह सेतु सागर के 300 कोस योजन वो सागर को पार करके, तब तो सेतु बंध की प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। इसी क्रम में उन्होंने बिना संकोच के, जबकि जानते हैं कि यही हमारे शत्रु हैं और इनके साथ ही हमारा युद्ध होना है, और वे बिना संकोच किए हुए अपने दूतों को भेजे,
एवं रावण के सन्निकट ब्राह्मणत्व का कर्म, पुरोहित का कर्म करने के लिए उनको निमंत्रण किए। और वे भी अपनी ब्राह्मणत्व को धर्म को निभाने के लिए, क्योंकि वे विश्रवा पुत्र थे, यद्यपि केकसी उनकी माता थी लेकिन पिता विश्रवा थे, तो वे निश्चित रूप से ब्राह्मण थे, अत्यंत बड़े वेदज्ञ थे। जैसे कि रावण का शिवतांडव स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जटा जटाप, ये जो बहुत कठिन शब्दों का संरचना उन्होंने किया है। तो लेकिन भगवान राम ने निसंकोच होते हुए और संकोच उनका क्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उस स्थान काल पात्र में जो मर्यादा था उसको अवलोकन किए। तो इस सूत्र से पता होता है कि कोई भी वरिष्ठ हो, चाहे व्यावहारिकता में उसी का कोई कर्म निंदनीय हो, किसी कर्म में अगर जो कर्म ग्रहणीय होता है, जैसे मधुमक्खी जो होता है कोई भी फूल का जो मधु है उसको चयन कर लेता है, तो उत्तम अधिकारी जो होते हैं उत्तम उत्तम चीज़ों को ही ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा किसी के अंदर कोई दोष त्रुटि आदि दिखाई दे तो उसको अवलोकन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से देवगण जो है परम भगवान के उपासक हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। हम अगर कृष्ण भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, राम भक्त हैं, या अपने अपने जो भी भगवान के अनुयायी हैं, तदनुसार हम जब उनके चरणों में पहुँचते हैं, अपनी इष्ट आराध्य के चरणों में, गुरु के चरणों में निष्ठा और की प्रावल्यता हो और उसमें तदुर्ध भाव वृद्धि हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी आधार पर जो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि केवल हमारा उपासना का पद्धति धन जन आदि के प्रतिष्ठा के क्रम में परिवेशित हो। निसंदेह अंतिम में जीव को तो शरीर को छोड़ना ही है, जन्म मृत्यु है, तो जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा। तो इसलिए समय से पहले हरि भजन करते हुए, अपनी नैमांतिक कर्तव्यों को पालन करते हुए, उनकी चरणों में अपनी आराधना को व्यक्त करते हुए, समर्पण को व्यक्त करते हुए जीवन का अंतिम सद्गति को प्राप्त करें, यही यहाँ पे आचार्य कहते हैं। तो सेसवे सम्मान करी भज एकमात्र हरि, जिनी सर्व ईश्वर ईश्वर। इन सबको सम्मान करना है, बोले, ऐसा नहीं कि असम्मान कराना है, किसी को भी असम्मान नहीं करना होता है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सभी भगवान के दास है, सबको सम्मान करना है, सबको माने अपनी अपनी स्तरों में जो भी हमारी क्षमता है उनको प्रतिष्ठा देना चाहिए। अमानी न मान देना, अपनी मान की आशा नहीं रखना चाहिए, लेकिन सबको मान देना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। से सबे सम्मान करी, सम्मान करना है, लेकिन जैसे एक पतिव्रता जो नारी होता है, कोई मानव पुरुष को देखती है तो सम्मान करती है, वरिष्ठ है चाहे समस्कंद हो या कनिष्ठ हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो समर्पित हो जाती है। समर्पण एक के चरणों में, अपने पति के चरणों में ही करती है, यह पतिव्रता नारी का नैमांतिक कर्तव्य है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि दूसरों का सम्मान करना, निंदा करना, भर्त्सना करना, पीड़ा देना, कष्ट देना, यह प्रवृत्ति में कोई भी जीव को चाहे पुरुष हो या नारी को नहीं रहना चाहिए। इसलिए से सवे सम्मान करी, अन्य देव हो, देवता हो, वैष्णव हो या साधारण जनसमाज भी क्यों हो, सबको अपने 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 जो सामर्थ्य के अनुसार, बुद्धि विचार के अनुसार यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। किसी को भी निंदा पक्ष में नहीं रखना चाहिए, अगर वो अपराधी है तो बात अलग है, परंतु निश्चित रूप से जो यथा योग्य जो सम्मान है हमको उनको करना ही चाहिए। लेकिन भजन और समर्पण जो है अपने इष्ट आराध्य के चरणों में करना है, जैसे पतिव्रता नारी के संदर्भ में कहा गया है, भजो एकमात्र हरि जिनी सर्व ईश्वर ईश्वर, जे कि समस्त ईश्वर के ईश्वर हैं। यतजंस पुंसकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद्भागवतम की प्रथम स्कंद में यह वर्णना है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उनकी आराधना जो, अगर हम कृष्ण भक्त हैं निश्चित रूप से अपने इष्ट आराध्य के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। माया जारो छाया शक्ति ताते ऐकांतिका भक्ति, साधी कालो काट निरंतर। इसलिए रे मन, तुम्हारी बर्बरता को मैं सहन नहीं करूँगा, तुम्हारी पामरता को, पापितापन को स्पर्श नहीं करूँगा। अब इस बार मैं गुरु के अनुगत्य में रहते हुए, सदमार्गों को अवलंबन करते हुए, माया जारो छ, जिन माया के पीछे तुम पागल हुए वो उनकी छाया शक्ति है या नहीं, कन की, भगवान की, मामे जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया।
मेरी माया जो दुरत्यया है इसको अवलंबन करना, उसको पार हो जाना इतना सहज नहीं है। मामे जो प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणों में समर्पित है, वे ही इस माया को अवलंबन माने पार हो सकते हैं। कैसे? जैसे गोवच्छ खुरा, जो गोवच्छ माने जो बछड़ा होता है, उसकी जो द्वारा किया हुआ गड्ढा हो, उसमें अगर बारिश का जल रखा हुआ है तो उसको पार करना बड़ा कोई मुश्किल कार्य नहीं होता। वैसे ही जो भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं वे भी सहजता से इसको पार कर सकते हैं। ताते एकांतिका भक्ति साधी कालो काटो निरंतर, ऐसे ही उनकी भजन करके गुरु के अनुगत्य में रहते हुए, मार्गदर्शन में रहते हुए उनकी निरंतर भजन करते रहो। कृष्ण भजन करो, इष्टाराध्य की भजन करो, कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे अहर्निशी चिंत कृष्ण बलह वदने, चाहे शयन अवस्था में हो, जागरण अवस्था में हो, चलयमान अवस्था में हो, सब अवस्था में उनकी भजन करो। साधी कालो काटो निरंतर, किसी भी अवस्था में उनको विस्मरण मत करो। मूले ते सिंचिले जल शाखा पल्लवेर बल सिरे बारी नहे कार्य करो, मूल में जग अगर हम जल देते हैं तो सब शाखाओं को प्रशाखाओं को सबको प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई वृक्ष में जल देने को चाहेगा तो शाखाओं को प्रशाखाओं को फूलों को पत्तों को आदि को अलग अलग से जल देगा तो कोई लाभ नहीं होगा। मूल में अगर जल देंगे, जड़ में देंगे तो सबको प्राप्त होगा। तो वैसे ही भगवान जो है मूल है और जगत के मूलाधार हैं और परम आधार है, तो उनको अगर हम चरण में समर्पित होंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे सद्गुरु के अनुगत्य में मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से समस्त जो फल है, फूल है, पत्ता है आदि आदि शाखाएं हैं, चाहे देव हो, देवताएं हैं या अन्य जीवात्माएं ही, सब यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, शास्त्र में कहा जो तुष्ट हो जाने से जगत तुष्ट हो जाते हैं। जैसे जो अक्ष पात्र जो था, जो सूर्य नारायण के द्वारा द्रौपदी को प्राप्त हुआ था, तो वहाँ से जब दुर्वासा ऋषि आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो उसमें और व्यावहारिकता में कोई कण नहीं था द्रौपदी पाने के उपरांत, और वो प्रकट नहीं होता था। तो चावल का जो एक दाना था, तो भगवान को वो स्मरण की इस विपत्ति अवस्था में, तो भगवान कहा कि चावल का एक दाना को ग्रहण कर लिए और बोले कि यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, हम तुष्ट हो गए तो जगत तुष्ट हो जाए। तो इसी क्रम में वे जब तुष्ट हो गए, सब प्रकार के जो जो भी जो दुर्वासा ऋषि थे, उनकी अनेक गण थे, उनके शिष्य थे, सब तुष्ट हो गए। तो इसलिए भगवान के चरण में जब जड़ में अगर जल दिया जाए तो शाखा प्रशाखा फल पुत्ता सबको वो जल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अलग अलग से देने की विशेष आवश्यकता है नहीं। हरि भक्ति अच्छे जार सर्वदेव बंधुतार भक्ते सबे करे न आदर, जिसका हरि भक्ति है उसको सभी आदर करते हैं, निसंदेह आज नहीं तो कल वो एबेजॉस कुसुक त्रिभुवन, निसंदेह देखा गया है भगवत भक्तों के जीवन में व्यावहारिक बाधाएं आए, व्यावहारिक संकट आए, मान अपमान आए, लेकिन उस सबसे वे परे रहे। ना उनको कोई मान कर सकता है, ना कोई सम्मान कर सकता है। मान का पुष्प को भी वे ग्रहण कर सकते हैं, असम्मान का गरल को, विष को भी वे ग्रहण कर सकते हैं। यह देखा गया गोस्वामी तुलसीदास से लेकर के कबीर जी से लेकर के नामदेव ज्ञानदेव जो भी थे, सबको राजतंत्र से लेकर के व्यावहारिक जो कनिष्ठ विचार की चेतना में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको कष्ट देने का प्रयास किए, परंतु उस सब कुछ क्षण काल के लिए वह प्रभावित रहा। तदुपरांत आज तक उनकी जो गुण है, गरिमा है, वे सर्वत्र वो पूजित होते हैं, सर्वत्र वो उनकी प्रतिष्ठा व्याप्त होता है, आज तक इनको पूजा जाता है। इसी क्रम में इसलिए हरि भक्ति आछे चार सर्वदेव बंधुतार, समस्त देव उनके बंधु हो जाते हैं, उनकी कल्याणकारी हो जाते हैं, उनकी मंगलकारी हो जाते हैं। भक्ते सबे करे न आदर, सब उनको आदर करते हैं। इसलिए अंतिम में भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, विनोद कही च घेन राधा कृष्ण शिचरण भज भज निरंतर, मैं अभी और पंचपर्ण सर्प का भजन नहीं करूँगा, मन बुद्धि अहंकार की बात सुनूंगा नहीं, मैं राधा कृष्ण शिचरण, सदगुरु के अनुगत्य में रहते हैं विनोद भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण के शिचरण का भजन करूँगा और वो भी निरंतर,
अर्थात हर एक काल में हर एक पक्ष में मैं कभी उनको विस्मरण नहीं करूँगा गुरु कृष्ण को, और उनके आनुगत्य में रहते हुए उनके नित्य पूजन वंदन समर्पण में अपने जीवन को अतिवाहित करूँगा। यह पंचफण सर्प जो है मूलाधार में अनंत काल से हमको कष्ट दे रहा दिया हुआ है, और इसलिए इस बार अब उसी की चपेट में नहीं आऊँगा। अनेक बार मेरा सर्वनाश हो गया है, अब और सर्वनाश नहीं करूँगा। अब सद्गुरु के आनुगत्य में रहते हुए निश्चित रूप से कृष्ण भजन में राधा कृष्ण भजन में एकाग्रता को अवलंबन करते हुए विशेष रूप से उनके चरण सानिध्यों में मैं अपने जीवन को समर्पित करूँगा और मन की बात सुनूंगा नहीं। ना काम क्रोध लोभ मोह मदश्चर में आऊँगा, विकारों के द्वारा ग्रसित होऊंगा, ना कोई कष्टों का अवलंबन करते हुए जो मुझे ही कष्ट हुआ, शरीर को हुआ, मन को हुआ, या बुद्धि को हुआ, अहंकार को हुआ, सूक्ष्म शरीर ऐसे ही प्रभावित होता जा रहा है, यातना शरीर प्राप्त होते जा रहे हैं, और ये क्रिया अनंत काल से चल रहा है, और व्यक्ति खुद ही लज्जित होता है और सुसंकृत होता है अपने तथाकथित स्तर हो गया। बस जस्ट दो मिनट। तो इसी क्रम में हम अपना और सर्वनाश नहीं करेंगे, और करके जगत के हासी हुई हुए और अपना ही क्षति हुआ और किसी का क्षति नहीं होता। आपने करो में आपने डूबिलू गोरा पहु ना भजिया महिलू, ऐसा नहीं कि दूसरे को इसमें कष्ट होगा। निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी मूर्खता में अज्ञानता में खुद ही कष्ट पाता है और यातना शरीर प्राप्त करता है, नरक या शून्याकाश में जाता है और अनंत कष्ट हो जाते हैं। लेकिन आचार्य जो है, गुरु तत्व जो है और राधा रानी है, परम करुणा के अवतार है, वे बार बार प्रचेष्टित होते हैं कि इस अज्ञानता में, इस मूर्खता में, इस असावधानता में, इस जड़ता में न जाए और मनोबुद्धि अहंकार की बात न सुने, अपितु श्रीचरण राधा कृष्ण का चरण गुरु आनुगत्य में वो भजन करे जिसके द्वारा सर्वोत्तम हित साधित हो। इसी कारण यहाँ पे मन को पामर कहते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम जीव समस्त जीवों को यह सदुपदेश प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, शील प्रभुपा शील गुरु महाराज की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।